और मुकुट मुझे महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्या भारत वर्ष में इक्वालिटी है? क्या भारत वर्ष में आर्टिकल 17 के तहत जात पात मिट गया है? क्या भारत वर्ष में भेदभाव मिट गया है? क्या भारत वर्ष में दलितों को, शूद्रों को, अति पिछड़ों को इज्जत का साथ जीने की अधिकार मिला है? जी बिल्कुल नहीं, आज तक ये नहीं मिला। इनका एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूं। भारत का वुमेन हॉकी टीम ओलंपिक में क्वालिफाई होके ओलंपिक खेलने के लिए जाता है, आप तक सेमीफाइनल तक वो खेलता है। जब सेमीफाइनल का मैच में भारत का ओलंपिक टीम हार जाता है तो वंदना कटारिया का फैमिली का घर घर में जाके अपशब्द से गाली देना, पटाखा फोड़ना, जाति सूचक शब्द यूज करना, ये भारत का वुमेन क्रिकेट टीम इसलिए हार गया है कि भारत का क्रिकेट सॉरी भारत का ओलंपिक टीम इसलिए हार गया कि भारत का ओलंपिक में सिर्फ दलित लड़कियां खेल रही है। कितना निचली स्तर पर लोग बात कर रहे हैं। हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। ओलंपिक मैच में सेमीफाइनल खेलना ये मामूली बात नहीं है। जब ये लोग वंदना कटारिया जी का घर का सामने जाके तोड़ फोड़ करते हैं, दलित शब्द यूज करे, उन्हें एट्रोसिटी करके गाली देते हैं, जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को जेल का अंदर गवर्नमेंट क्यों नहीं डाल रहा है? हाँ, क्योंकि ये जो हरिद्वार का जगह है ना, ये हरिद्वार में ये घटना घटा है ना, वहां तो हिंदुत्व का सरकार चलता है। आज ये सरकार क्या करेगा? जातिवाद को बढ़ावा देगा। सोए हुए शेर को जगाइए मत, क्योंकि वंदना कटारिया का कम्युनिटी का लोग चुपचाप सह जाते हैं। भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आई मीन शूद्र चुपचाप इंडोरेंस कर रही है। मतलब आप ताकतवर हैं? आप बिल्कुल ताकतवर नहीं। ये लोग भारत का संविधान को पालन करते हैं। कब तक आप लोग ऐसे ही एट्रोसिटी करते रहेंगे? खेल को भी आप जाति के नाम पर, आज ये भी बता देते आप लोग, जब रिजर्वेशन होता है तो ये बता देते ये सब रिजर्वेशन में गए हैं इसीलिए खेल हार गए। खिलाड़ी, भारत का खिलाड़ी कोई भी रिजर्वेशन में नहीं जाता। तनिक आप सोचिए, भारत का जितने भी हॉकी टीम का वुमेन है, लड़कियां हैं, इनका घर तरफ देखिए, किसको खाने के लिए पैसा नहीं है। कोई परिवार में दो वक्त का रोटी जुगाड़ कर नहीं सकता, और कोई कोई खिलाड़ी का गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और जब खिलाड़ी घर वापस आते हैं तो दिहाड़ी लेबर करते हैं। इन परिस्थितियों में, ऐसी कठिनाइयों में देश का नाम रोशन कर डाले, कहां तक ले गए? सेमीफाइनल तक। ये घटना घटा है सेमीफाइनल मैच हारने के बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी दल का। और तो और, ब्रोंज मेडल खेलने के लिए बाकी था। अब सोचिए वंदना कटारिया का दिल में क्या गुजरते होगा, और टोटल टीम का ऊपर कैसे प्रेशर हुआ होगा, क्योंकि वो टीम पूरा को पूरा दलित लड़कियों में जाते हैं। सब दलित लड़कियां हैं, इसीलिए उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। किसको पहनने के लिए अच्छा ड्रेस नहीं है टीम में। जब ये घर वापस आते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन जाके घर घर घूम के देखिए, ऐसे परिस्थिति में और कोई दूसरा खेल नहीं सकता, फिर भी भारत को इतना इज्जत दिलाए सेमीफाइनल तक। और बंदा ना कटारिया ऐसा एक खिलाड़ी है, ये तो हैट्रिक लगाई थी गोल में। हैट्रिक लगाने वाले लड़की है, वर्ल्ड में उनका नाम है, इतना हुनर है, उतना ताकतवर स्ट्रोक लगाती है, खेलती है, और आप उनका घर के सामने जाके जाति सूचक गाली देते हैं। अशूद्र दलित लड़कियों, इसीलिए ये गेम भारत हार गया। घिन लगता है इसे डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों को, भारत जैसे देश में रह के इनका हिम्मत कैसे आ रहा है?
देश का कानून क्या इन लोगों को खिलाफ एक्शन नहीं लेगा? खंड का सरकार इन लोगों को अरेस्ट नहीं करेगी? साथियों, जरूर इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, देशद्रोही से कानून लगाकर सलाखों को पीछे डाल देना चाहिए। जब गवर्नमेंट तानाशाही गवर्नमेंट आता है, जातिवादी गवर्नमेंट आता है, ऐसे मानसिकता लोगों का बीच में पैदा होता है, ये देश के लिए खतरा है। भारत का संविधान सुरक्षा देता है, आर्टिकल 17 के तहत किसी को भी टॉर्चर किया नहीं जाएगा, एट्रोसिटी किया नहीं जाएगा, फिर किया गया। आर्टिकल 15 के तहत भारत का वुमन को स्पेशल प्रिविलेजेस होना चाहिए, हमारा छाती सीना चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि ना हमारा लड़कियां ओलंपिक जैसी जगह पर जाके जीत कर आते, कहां तक जीतते, सेमीफाइनल तक जीतते, सेमीफाइनल तक खेलते, ये मामूली बात नहीं है। और आप लोग जाके उनका घर का सामने में गाली देते, बद्दी बद्दी गाली देते, जाति सूचक शब्द यूज करते, आपका मेरिट माय फुट, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये बात कहते थे। मुट्ठी भर लोग ऐसे काम करना बंद कर दीजिए, ये संविधान खिलाफ बात काम है। जो जो व्यक्ति भी ऐसे जाति सूचक शब्द अपमानित करके वंदना कटारिया का परिवार का सामने ऐसे बात किए है, इन लोगों को खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है। और ये जातिवाद सरकार जहां जहां भी चल रहा है, ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष में अमन चैन चाहते हैं, भारतवर्ष में हर कोई व्यक्ति यहाँ खुशी से जिए, भारतवर्ष में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो जाए, भारतवर्ष में कस्टिज्म मिट जाए, भारतवर्ष में भुखमरी गरीबी मिट जाए। लेकिन ये लोग खिलाड़ी का घर में जाके एट्रोसिटी करना कहाँ का कानून है? क्या हमारा देश का कानून ये बताता है? मैंने स्टडी कर रहा था भारत का वुमेन हॉकी प्लेयर के बारे में। ये भारत का जितना भी वुमेन हॉकी प्लेयर है, कोई उड़ीसा से जाता है, कोई छत्तीसगढ़ से जाता है, कोई उत्तराखंड से जाता है, पिछली एरिया में ये लोग बिलोंग करते, उसका साथ साथ 90% से ज्यादा लड़कियां दलित परिवार से जाते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फैमिली से जाते हैं। और इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड इतना पूर है, इतना पूर है, ऐसे कठिनाई परिस्थिति में ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसे तो हम लोगों का छाती और सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है, ऐसे नीच मानसिकता लोग आज भी भारतवर्ष में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को कायम करना चाहते हैं। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 13 के तहत ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को कब से ऑपरेशन कर डाला है, फिर भी ये नालायक लोग, ये नीच मानसिकता, ये नीच भावना को बढ़ावा दे रहे, ऐसे लोगों का साथ कैसे न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए? आप लोग सोचिए, क्या हमारा एजेंसी फेलोर हो चुका है? क्या हमारा न्याय प्रक्रिया फेलोर है? क्या हमारा पुलिस विभाग, होम डिपार्टमेंट साइलेंस क्यों है? क्यों ऐसे लोगों को अरेस्ट अभी तक किया नहीं गया? क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ? क्योंकि ये लड़कियां दलित है, इसीलिए ना, इसीलिए। खेल को भी आप जाति के नाम पर देखेंगे, ये जात पात जल्दी मिट जाना चाहिए। इसीलिए भारत का लोग समझ जाइए, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, और ये 21st सेंचुरी का लोग ऐसे नीच मानसिकता लाना अच्छा नहीं है। भारत का शूद्र, भारत का दलित, भारत का रिजर्व कैटेगरी का लोग, आप जिसको कहते हैं ना, ये लोग शांति प्रिय लोग है, ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान को पालन करते हैं, इसीलिए आप लोग अपना मनमानी भारतवर्ष में कर पा रहे हैं। जिस दिन इन लोगों का सहने का ताकत खत्म हो जाएगा ना, सहने का बांध टूट जाएगा ना, प्रलय हो जाएगा। इसीलिए वक्त आते ही आप लोग संभाल जाइए, और सरकार को भी मेरा ही रिक्वेस्ट है, आर्टिकल 17 को सही से इंप्लीमेंट कीजिए, और ये जात पात व्यवस्था को मिटा दीजिए हर स्टेट में, हर स्टेट का गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक आप लोग संविधान को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही ये लोग भारत का 85% मूल निवासी को, शूद्र को सताते रहेंगे। तो भारत में रहने वाले
सब कुछ दबे कुचले लोग समझ जाइए आप लोग, कब तक जलील का जिंदगी हम सहते रहेंगे, कब तक अपमान सहते रहेंगे, कब तक एट्रोसिटी सहते रहेंगे संविधान होते हुए भी। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये देश के लिए अपमान है, ये संविधान के लिए अपमान है। हर कोई सिटीजन को डिग्निटी का साथ जीने के अधिकार हमारा संविधान देता है, और आप लोग ऐसे भत्ती भत्ती गाली देते हैं भारतीय हॉकी टीम को। भारतीय हॉकी टीम जो वुमेन है, तनिक आप लोग उनका घर में जाके एक दिन तो बैठिए, ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मैं सच कहता हूं, आपका आंखों में पानी आ जाएगा, आप रो पड़ेंगे उनका घर जाके देखेंगे तो। उनका फैमिली कंडीशन, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका सोशल कंडीशन, उनको हॉकी बैट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता था। ऐसे परिस्थिति में आज ओलंपिक तक पहुंचे हैं। आप लोग इन लोग को सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन आप गाली देते। गवर्नमेंट तक कोई भी मदद नहीं करता, गवर्नमेंट खेल में एक्सपेंडिचर जीरो है, मतलब 0% बजट, 1% भी नहीं होता। इतना कठिनाई में भी हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं हमारा लड़कियां। मैं ऐसे लड़कियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, और जिस घर में ये लड़कियां पैदा हुए हैं ना, ऐसे मां बाप को मेरा दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट। क्योंकि लाखों करोड़ों भारतीय वुमेन में से ये 12 से 15 वुमेन ओलंपिक तक गए हैं। कितना हुनर है ये, कितना ताकत है ये, कितना इंटेलिजेंट है, इतना कठिनाई, इतना डिफिकल्टी में भी अपने बलबुत्ते पर ओलंपिक तक पहुंच गए हैं। और जिन लोगों ने उनका घर में जाके पथराव किए, जिन लोगों ने उनके घर में जाके बद्दी बद्दी गाली दिए, जिन लोगों ने गठबंधना कटारिया जी का घर में जाके एट्रोसिटी शब्द प्रयोग किए, आप उनका परिस्थिति में होते तो हॉकी स्टिक पकड़ना क्या फील्ड में ही आप गिर जाते। क्योंकि जब वंदना जी और उनका टीम जब वो खेल खेल रहे थे बचपन में, जब खेल शुरू हुआ ना, कभी इनका पेट में दाना भी नहीं मिलता था, फिर भी खेलने के लिए जाते थे। पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं मिलता था, पहनने के लिए अच्छा बूट भी नहीं मिलता था, नंगा पैर में खेलते थे। ऐसे लड़कियां हमारा देश का गौरव है, उन्हें इज्जत देना सीखिए, हमारा संविधान ये सिखाता है। ऐसे बेहूती हरकत बंद हो जाना चाहिए। और जिन स्टेट में ये घटना घटा है, हरिद्वार का, सरकार एक्शन में आ जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का खिलाफ तुरंत से तुरंत FIR होके जेल का अंदर डाल देना चाहिए। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि एट्रोसिटी को बंद करना है, अखंड भारत बनाना है, भारत में ही एस्टैब्लिश करना है।